नमस्कार दोस्तों, आज मैं BBS के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और टाइप्स ऑफ ड्राइंग के बारे में, कितने प्रकार का ड्राइंग होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। BBS बार बेंडिंग शेड्यूल, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एज पर ड्राइंग ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। मीन्स वो हम BBS के माध्यम से उसका स्ट्रक्चर क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि BBS निकालने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द BBS टू कैलकुलेट द स्टील क्वांटिटी, दैट इज पहला हम जो स्टील क्वांटिटी निकालने में काम आता है वो बार मार्क जरूरी होता है। दूसरा डाया बार। तीसरा नंबर स्पेसिंग दिया होना चाहिए या तो नंबर्स होना चाहिए। चौथे नंबर शेप दिया हुआ। अब इसको हम ड्राइंग में, किसी भी ड्राइंग में कैसे दिया हुआ है ये सारी चीज़ें उसको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं रिइंफोर्समेंट शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है बार मार्क डाया स्पेसिंग या नंबर्स में दिया हुआ है और शेप दिया हुआ है। इसके मदद से हम BBS निकाल सकते। जैसे आपको ये शेप दिया हुआ है, इसमें देखिए बार मार्क नंबर 9, मार्क नंबर 18, 19। इसमें देख सकते हैं कि बार मार्क डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिनोट किया हुआ है जिसकी मदद से हम स्टील का क्वांटिटी निकालते हैं। इस वीडियो में जो दूसरा पार्ट्स बताने वाला था मैं, टाइप्स ऑफ ड्राइंग। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइंग यूज इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, लाइक गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जिसको हम शॉर्ट में GFC ड्राइंग बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन रेफरेंस ड्राइंग जिसको हम CF ड्राइंग बोलते हैं, वर्किंग ड्राइंग, अलाइनमेंट ड्राइंग, रेनफोर्समेंट ड्राइंग, प्लान एंड डिजाइन ड्राइंग, डायमेंशनल डिटेल ड्राइंग, GAD यानी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, TAD टेक्निकल अरेंजमेंट ड्राइंग। ये सारे ड्राइंग्स के टाइप्स हैं जिसकी मदद से हम ड्राइंग को रीड करते हैं और स्टील का क्वांटिटी निकालते हैं। जैसा आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, ये MMB का ड्राइंग है जिसमें रिव्यूड का सील लगा हुआ है और ये ड्राइंग है गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। इसी के मदद से हम इसका पूरा कैलकुलेशन निकालते हैं।